मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन और जनता यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के बिजली मुख्यालय शक्ति भवन के सामने धरना दिया। इस दौरान पेंशनरों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रांतीय प्रवक्ता जनता यूनियन मोहन अग्रवाल ने कहा, प्रदेश सरकार पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार नियमित रूप से पेंशन भी नहीं दे पा रही है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब सभी पेंशन भोगी कर्मचारी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। धरने पर बैठे पेंशन एसोसिएशन और जनता यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा और राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने का आह्वान भी किया। अरे प्रमुख, एक मांग है 11% डीए राहत, पूरे देश में 38% डीए राहत और डीए चल रहा है, पर विद्युत मंडल में सिर्फ 22% डीए दे रहे हैं और रोज हर महीने 2000 करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो पैसा बेचता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।